नमस्कार दोस्तों, हमारा भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों से भगत सिंह एक ज्वलंत इतिहास, जिसके लेखक हैं हंसराज रायवर। दादा अर्जुन सिंह के परिवार की महिलाएं भी त्याग, सेवा और साहस में पुरुषों से पीछे नहीं थी। जब भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह नुस्खे लिखते थे तो दादी जैकोर दवा तैयार करती थी। दादी ने टूटी हड्डी जोड़ने का काम भी बखूबी सीख लिया था। फिर जब बेटों ने किसान आंदोलन शुरू किया तो क्रांतिकारियों को छिपाने और खिलाने पिलाने की व्यवस्था भी वही करती थी। यह काम भी बड़े योजनाबद्ध तरीके से करती थी। हर घड़ी चौकस रहना पड़ता था। एक दिन पुलिस के सिपाहियों और अफसरों तथा फौज के सिपाहियों और अफसरों ने पूरे गांव को घेर लिया और चारों तरफ तोपें लगा दी। ऐसा लगता था जैसे गांव में युद्ध का मोर्चा लगा हो। दरअसल वे क्रांतिकारी साहित्य छापने के अपराध में अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद को गिरफ्तार करने आए थे। अजीत सिंह तो घर में न थे, सूफी अंबा प्रसाद थे। सवाल यह था कि उन्हें कैसे बचाया जाए। दादी जैकोर बाहर आई और पुलिस अफसर से पूछा, क्या बात है? अफसर ने गिरफ्तारी की बात छिपाकर उत्तर दिया, हमें घर की तलाशी लेनी है। ठीक, आपको सरकार ने तलाशी को कहा है, आप तलाशी जरूर लें, पर आप भी बहु बेटी वाले खानदानी आदमी हैं, पहले पर्दा नशीन औरतों को बाहर जाने दीजिए, फिर घर में घुसें। दादी ने गंभीर धीर संयत स्वर में कहा। अफसर ने उसकी यह बात मान ली। अपनी अपनी चादरों में लिपटी औरतें बाहर निकल आई। उसके बाद पुलिस भीतर गई, पर सूफी जी हाथ नहीं लगे, औरतों के संग वे भी निकल गए। अफसरों ने सोचा कि हमारी जानकारी गलत थी। वे 7 ऊँटों पर लाद कर छपा हुआ साहित्य अपने साथ ले गए। वे दृढ़ संकल्प और दृढ़ चरित्र महिला थी। घर में उन्हीं का अनुशासन था, हर चीज अपनी जगह पर हो, जरा इधर उधर न होने पर गर्द पड़ती बरस पड़ती थी। रूठ कर अपनी बात मनवा ले, उनके सामने यह नहीं चलता था। उनका कहना था कि इस तरह बच्चों को रोने, रूठने और जिद करने की आदत पड़ जाती है। उन्हें न रोना पसंद था और न गिड़गिड़ाना। उनको जो व्यवहार परिवार की बहुओं और बच्चों के साथ था, वही गाँव भर के साथ था। वे शासिका थी और कौशल एवं ताकत के से शासन करने में विश्वास रखती थी।